क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू वेरी ब्यूटीफुल डे। और सीन कुछ यूँ है कि मौसम बहुत ही गर्म गर्म सा है, हवा चल रही है लेकिन हवा में वो ठंडक वाली हवा नहीं आ रही है, वो गर्म गर्म हवा आ रही है। हवा है लेकिन गर्म हवा है। और मैं आप लोगों को मौसम भी दिखाती हूँ। बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और मैंने बोला चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मिराल की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। हेलो मिराल, अभी वो साइकिल चलाने में बिजी हैं, अभी मैंने उसको तैयार भी नहीं किया, तो मैं रेडी शेडी हो गई थी तो मैंने बोला चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग अपने निकले, अभी मैं आपको तैयार करती हूँ। चले अभी मैं इसको तैयार करती हूँ और आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ कि कितना कोई अजीबोगरीब मौसम हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो वो हवा, मिट्टी वाली जो हवा होती है ना वो चल रही थी, बहुत ज़्यादा धुआं धुआं सा मिट्टी हो गई थी तो धुआं लग रहा था वो। तो अभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। अच्छा जी, सूरज देख सकते हैं, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6 बजने वाले हैं, नहीं 6 नहीं सॉरी 5:30 बजने वाले हैं। और ये मौसम है, आप भी आ गई हैं आज। अभी इतनी कोई मिट्टी चल रही थी कि शॉपरें वॉपरें सब यहाँ पर उड़ रही थी, और अभी थोड़ा बेहतर हो गया लेकिन मौसम बड़ा ही कोई गरम गरम मौसम है ना मेरा, गरम गरम मौसम है ना, गरम गरम मौसम है। इनको हो रही है खांसी, नज़ला और बुखार। मुझे लच्छा जा रहा है। हाँ लच्छा जा रहा है भाई, यहाँ तो बहुत सारे लच्छे बाइक जा रही है यहाँ पर तो। और रक्षा जा रहा है ब्लू वाला रक्षा, ब्लू वाला रक्षा, वो देखो वहाँ पर कितने सारे ब्लू वाले रक्षे हैं, देखा कितने सारे ब्लू रक्षे हैं ना, कितने सारे। मैं वो देता हूँ। तो ऐसा है कि मैं काफ़ी टाइम के बाद, मतलब ऐसे बालकनी में तो आती थी लेकिन ऐसे ताक झाक करने के लिए नहीं आती थी। तो अभी आती इसको जहाँ कोई झंडा नज़र आता है ना पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाता है। चलें कमरे में चलते, धूप बहुत हो रही है, मुंह पर धूप लग रही है। चलो चलें जी। अच्छा हम यूँ हो जाते हैं ताकि रोशनी सही आए। चलें बाकी सारे काम करते हैं, बच्चे ट्यूशन से आएंगे अभी थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 1 घंटा है हम लोग को आने में। और आज का मैं जो खाना बना रही हूँ वो बना रही हूँ दाल के पराठे। हालांकि मौसम गर्म है लेकिन इंशाल्लाह ने बोला मामा दाल वाले पराठे बना दें, तो मैंने बोला चलो सही है दाल वाले पराठे बना लेते हैं। 2 दिन से चावल बन रहे हैं हमारे घर में, तो अभी दाल चढ़ा दी है बॉयल करने के लिए हल्की, जो मतलब 70-80% जो बॉयल होती है ना वो वाला बॉयल करने के लिए रखा है। हवा इतनी अच्छी चल रही है कि मेरे बाल सुन करके उड़ रहे हैं। खैर तो बस यही कोई सीन है और बस व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, अब देखते हैं आगे के क्या सीन होते हैं। हमारा फैमिली व्लॉग है और नॉर्मल भाई व्लॉग है। फोटो में पानी डालू जी डाल दी, तो इतना कोई लश्कारे और वश्कारे वाला कोई सीन नहीं होता हमारे व्लॉग में, और जब होता है तो वो भी ले लेते हैं लेकिन अदरवाइज नहीं है अभी इतना कोई कि हम यहाँ आउटिंग पे जा रहे हैं, वहाँ आउटिंग पे जा रहे हैं, हम ये परचेज़ कर रहे हैं वो परचेज़ कर रहे हैं, जैसे और व्लॉग्स में होते हैं जो आप लोगों को चार चांद दिखाते हैं व्लॉग्स में। हमारा व्लॉग भी नॉर्मल व्लॉग सिंपल, तो बस यही सीन है, आगे देखते हैं क्या सीन होता है, वो आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच जाए। जी जान ये देखें पानी डालनी है ये, चलो थैंक यू। हिराल ने पौधों में पानी भी डाल दिया है, तो चलें आगे के सुनहरी आगे के सीन्स आपको दिखाती रहती हूँ। अभी तो फिलहाल कोई भी सीन नहीं है, मुझे थोड़ी सी जो पिछला व्लॉग है उसकी एडिटिंग करनी है, बस वो करती हूँ मैं उसके बाद। चलें जी अब आई है बारी खाना बनाने की, बच्चे आ गए थे और आते के साथ ही उन्होंने बैग रखा है और नीचे प्लेरिया चले गए, तो व्लॉग नहीं बना पाई उस टाइम पर। और अभी सिर्फ इंशाल्लाह मिराल भी चले गई है नीचे, अब मैं बनाने जा रही थी पेड़े, ठीक है दाल भर के जो पेड़े होते ना वो बनाने जा रही थी, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक सेकंड। चले जी ये मैंने आटा गूंद लिया था और ये खुश्की, ये दाल और ये मैंने 2 पेड़े बनाए थे, मुझे याद आया वो व्लॉग तो बनाया ही नहीं, तो ये मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं जिसमें दाल भरी है मैंने।
और ये दाल है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक। एक पेड़ा बनाकर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। वैसे सबको आता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, पहले एक चपाती, पतली सी चपाती बनाते हैं, उस पर दाल रखते हैं, या आलू का, आलू के पराठे बना रहे हैं तो आलू का भरता रखते हैं, फिर उसके बाद एक और चपाती बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कवर करते हैं। मैं ऐसे नहीं बनाती, मैं अपनी अम्मी की तरह ही बनाती हूँ। अम्मी ऐसे ही बनाती हैं कि पेड़ा लिया और उसको अच्छे से कर बताती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊँ, वेट अ मिनट। चले जी, मैं आप लोगों को पेड़ा बनाकर दिखाती हूँ। हमने पहले पेड़ा ले लेना है, ठीक है, इसको हमने अच्छे से राउंड राउंड कर लेना है, ठीक है, जिसको नहीं आता वो सीख सकता है। फिर इसके बाद खुश्की में डबो दिया इसको अच्छे से, डबो दिया जो भी होता है। फिर ऐसे 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 इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है हाथ की मदद से। आप चाहें तो बेलन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेलन मैंने धोकर रखा है, बहुत ही कोई गंदा हो गया था, रोटी चिपक चिपक कर उसके ऊपर आटा चिपक चिपक कर, ठीक है, ये हो गया। अब हम लेंगे ये दाल, ठीक है, आपको कैसा दिखाऊँ मैं, एक सेकेंड ऊँचा कर लेते ना हम थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, लाइटिंग का थोड़ा सा मसला है यहाँ पर, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, सही है। भर के डालना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। दाल के पराठों में अगर दाल ही ना हो तो क्या फ़ायदा, है ना। तो इसको हमने अच्छे से फिल कर लिया, ये देख सकते हैं आप, इसको हमने प्रेस कर दिया और इसको हमने ऐसे ऐसे हाथ की मदद से अच्छे से इसको बंद कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड, खुश्की में थोड़ा सा अपनी उंगलियों को डिप किया क्या क्या बोल रही हूँ, इसको हमने ऐसे यूँ कर दिया, ठीक। ये बन गया हमारा पेड़ा। अब मैं ये पेड़े बनाकर रख रही हूँ ताकि मुझे आसानी रहे कि जल्दी जल्दी मैं बेल लूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है 8:30, ठीक। और गैस का आप सबको पता है कि गैस चले जाती है 9:30 बजे, तो ये भी बना कर रखूँगी, और बच्चों के हैं और फिर गार्ड को देना है, तो बहुत ज़्यादा रोटियाँ बनानी हैं। गार्ड को देने का एक बड़ा ही मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क रहता है, बड़ी टेंशन रहती है गार्ड के लिए। वरना आप अगर घर में हो, आपका कुछ भी नहीं है और आपने थोड़ी सी आलू की भुजिया या थोड़ी सी अंडे की भुजिया बना ली, तो उसमें भी हो जाता है गुजारा, लेकिन एक गार्ड की वजह से ना मुझे फिर प्रॉपर खाना बनाना पड़ता है कि हाँ भाई ये भी बनाना है या ये करना है या करना है। तो आज तो है इंशाल्लाह की फरमाइश पर दाल के पराठे बना लें मामा, तो मैंने बोला चलो जी आज बना ही लेते हैं दाल के पराठे, काफ़ी टाइम भी हो गया था तो वो बनाया, अब देखते हैं। मैंने सोचा था मैं अरूबा को भेजूंगी, पता नहीं उस वो खाती है, उसको पता है कि नहीं पता, खाया है कि नहीं खाया, मुझे कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें खाते हैं। तो लेकिन नौफिल ही नहीं आया कि वो आती और फिर वो मैं उसको देती, तो यही सीन है। और बस मैं जल्दी जल्दी पेड़े बना लेती हूँ, व्लॉग बनाने का टाइम नहीं है ज़्यादा, नहीं तो गैस चल जाएगी, अब फिर मेरे पेड़े के पेड़े बने रह जाएंगे, ठीक है। हम ये पेड़े शेड़े बनाते हैं और फिर जब इसको मैं सेकने लगूंगी, जब इस पर मैं घी शी तेल विल लगाऊंगी ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी शक्ल निकल कर आती है, ठीक है। उस वक्त तक के स्टे ट्यून, फिर उस वक्त तक के बच्चे भी आ जाएंगे, तो कहीं पर बन जाइएगा, स्टे ट्यून। नहीं, बाकी सारे तो मैंने बना लिए पराठे, दिखाओ ज़रा, ये सही है, बाकी सारे तो मैंने पराठे बना लिए, 2-3 ही रह गए थे, तो मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ बनाते हैं, और बड़े ही एहतियात से कि ये फट ना जाएँ, क्योंकि मोस्टली फट जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको इस पे रख कर डालेंगे, आराम से, बहुत ही एहतियात से इसके ऊपर रखना है ताकि ये फटे नहीं। हल्का हल्का सा फट गया है, मतलब वैसा नहीं फटा है, हल्का हल्का सा बिल्कुल, कि इससे दाल नहीं गिरेगी, ठीक है। अब हम इसको सेकेंगे और बस, ये सारे बना लिए हैं मैंने, ये सारे, ठीक है, बस दो रह गए। अमिराज मैडम को भूख लग गई है ना, भूख लग गई है, रोटी खानी है, थोड़ी सी रोटी खानी है। चलो मैं इसको सेकती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ,
एक सेकेंड ना, गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? दूध आ रहा है। अच्छा अभी रुक जाओ, गुस्सा अभी कंट्रोल करो। दूध आ रहा है। वैसे मैं तेल कम यूज करती हूँ पराठे वगैरह पर करती हूँ, लेकिन कम। अभी सिर्फ व्लॉग में लेने के लिए मैंने तेल ज़्यादा डाल दिया। घी से मैं नहीं बनाती, ऑयल से ही इसको सेकती हूँ। ठीक, पता नहीं कोई बनाता होगा घी से, मक्खन से, किस चीज़ से, असली घी से, लेकिन मैं जो हूँ इसे से ही बनाती हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छे से सीखे हुए होते ना तो बड़ा मज़े के क्रंची क्रंची से लगते हैं, लेकिन हल्का हल्का ना क्रंच सा हो गया, कड़क कड़क से हो गया पराठे। पता नहीं फ्लश तो क्या हो गया, फ्लश इसका बंद हो गया क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा गर्म हो गया जिसकी वजह से, क्योंकि चूल्हे के पास था इसलिए फ्लश इसका गर्म हो गया। उसने बोला अभी जो है ये ठंडा हो जाए मोबाइल, उसके बाद फ्लश ऑन होगा। सही है, बस जल्दी से दो पराठे बनाते हैं। टाइम हो रहा है 9:15, 15 मिनट रह गए हैं सिर्फ लाइट जाने में, तो जल्दी से दो पराठे ही बनाते हैं और फिर बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर बच्चों को खाना खिलाते हैं, बच्चे जाएंगे सोने और यही सीन अभी का। चलें, टाइम वेस्ट के बाहर ये काम करते हैं पहले। चलें जी, यहाँ सबने खाना वाना खा लिया और ये हमने गाट का निकाल दिया है। मैंने आज रायता बनाया था हरा वाला, ये लो गाट भी आ गया है। बाकी जो रायता बचा वो इंशाल्लाह साहब पी रहे। और अभी अभी हमारे घर सामने भाभी के यहाँ से आई है टिकिया। आज भाभी का दिल चाह रहा था टिकिया बनाने का, तो भाभी ने ये टिकिया बनाई है, तो भेजा है भाभी ने। थैंक यू भाभी। निशी मैडम ने अभी तक खाना नहीं खाया है। मिन्नू मैडम बैठी हैं। आज मैंने चाय बनाई थी एक टाइम के बाद और अब बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा पीने का। बना ली लेकिन पीने का दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। इंशाल्लाह साहब को देख सकते हैं। मज़े किया, चलो सही है। तुम रायता भी पी लो, चाय भी पी लो, सब पी लो, खा लो। चलें जी, खैर कोई आया है। चलें जी खाना शाना हो गया और अब हम टिकिया खाते हैं, चेक करते हैं। मिन्नू को तो बहुत अच्छी लगी, अब मेरी बारी। काफ़ी सॉफ्ट है। इतनी सॉफ्ट है। हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो मैं नहीं अच्छी लगी, बाकी बनाया तो अच्छी अच्छी है। हालांकि मन असल में इसमें इलायची का जायका आ रहा है ना, इलायची आ रही है, इसीलिए मिश्री को अच्छी नहीं लगी। मनोना मनाल को अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी। इंशाल्लाह अब खाएगा तो बताएगा। चाय मिनट बोल खा सकते हैं, पागल हो, दिमाग ना लगाए क्या? इंशाल्लाह बच रहा है मेरे व्लॉग से, क्योंकि जो इसके पत्ते में दोस्त है ना वो स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर इंशाल्लाह को पर्सनल में मैसेज मतलब टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं कि देखो तुम ऐसे लग रहे हो, तुम ऐसा लग रहे हो, तो इंशाल्लाह साहब बच रहे हैं मेरे व्लॉग से। तो खैर सारी प्लेटें लेटर हटाओ, चलो चले अब बच्चों को ठिकाने लगाते हैं। फिर बात उन लोगों का शोर शराबा अलग ही लेवल का है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। वाह आपको तो शपथ है भाई। अम्मी चा, अम्मी ना भी चीजी।
पापा सबकी फोटोज है भाई, है ना? मेरे पाले पापा। ये तुम्हारे पाले पापा हैं? कहाँ हैं? ये तुम्हारे पाले पापा हैं? दिखाओ। अच्छा, ये तुम्हारे पाले पापा हैं? और कौन है? ये दीदी पापा ने हमने कैचा मुंह है। पापा का कैचा मुंह है? कैचा मुंह है? ब्लैक टी शर्ट पहनी है। आज मेरा मेरे पास से सब की जिसकी मेरे पास छोटी पिक्चर्स थी वो सब मैंने लगाई हुई थी, वो सब मिराल निकाल कर बैठी हुई। कौन है? मिन्नू आप ही है? हाँ, ये मम्मी। कहाँ है मम्मी? ये मम्मी नहीं है। कौन है ये? चाची। बाजी। बाजी नहीं है। हाँ बाजी है। बाजी नहीं है। हाँ बाजी है। बाजी नहीं है। अरे बाजी है भाई। बाजी नहीं है। ले मामा कह रही है बाजी है, दिखाओ। बाजी नहीं है। अच्छा लाओ सारी तस्वीरें दिखाते हैं हम भाई, जो जो थी मेरे पास मैंने लगा दी। ठीक है, ये अब्बू की पिक्चर काफी पुरानी है और ये अम्मी की पिक्चर है। ये चाची है। अरे कौन सी चाची है? चाची है। कौन सी चाची है? अरूबा चाची। अरूबा चाची है ये। अम्मी है ये। चाची है। अच्छा ना, मुझे पता है ना, ये मिशी है, ये दानिश है, ये मिन्नू है। मिन्नू कितनी क्यूट लग रही है। पापा भी बहुत अच्छे हैं। पापा की तुम्हारी कौन बात कर रहा है? हम तो मिन्नू की बात कर रहे हैं। मैं नहीं हूँ। आपकी छोटी पिक्चर नहीं है ना मेरे पास? तो मैं आपकी छोटी पिक्चर बनवाऊंगी, फिर मैं आपकी भी रखूंगी। और यहाँ पर कौन है ये तुम्हारी फ्रेंड है तुम्हारी? हाँ। दिखाओ दिखाओ ना, ये अम्मी का शनाख्ती कार्ड था, उसमें लगी हुई थी। मैंने शनाख्ती कार्ड से ही निकाल लिया और शनाख्ती कार्ड अलग रखा हुआ दराज में। बदतमीजी कर रही हो बाप। चलो सब रखो सारी पिक्चर्स वगैरह। मुझे पापा की फोटो चाहिए। अच्छा थप्पड़ मारूंगी मैं ये अब्बू। मुझे पापा की फोटो चाहिए प्लीज। अच्छा रख दो ना मेरे पर्स में, रखो सारी चीजें। यहाँ लगी हुई थी सारी, इस औरत ने जो है ना सब निकाली है अभी। इतनी कोई गर्मी हो रही है ना, ये देखे पसीना, उफ बहुत गर्मी हो रही है। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही इस टाइम पर। अच्छा खासा भी बीच में चल रही थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी वो भी नहीं चल रही है यार। चलें जी, खाना वाना खा लिया था, बर्तन शर्तन धो दिए, किचन बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया, और अभी मैं ज़रा जा रही हूँ बाहर और इंशाल को मिराल को लेकर। आज बस यही था अभी का सीन, गर्मी बहुत है। तो चले चलते हैं बाहर और उसके बाद का सीन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ। चले जी, अभी हम निकले हैं जहाँ हमें जाना था, और पहले जाना था लेकिन मिराल चली गई थी वॉशरूम, और जिसकी वजह से लेट हो गया। बस अभी हम निकले। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं बोल रही हूँ आपको, आप छोड़ दो उसको, आप उसको छोड़ दो, आप इधर आ जाओ। फजूल का जब एक बंदा छेड़ रहा है उसको छेड़ना है, फजूल का छेड़ना। तो बस अभी जाते हैं, और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, मौसम बहुत घुटा घुटा सा हो रहा है बिल्कुल। यार ब्लॉग में भी ना ये लोग इतनी बदतमीजियां करते हैं ना कि इंसान क्या ही कोई ब्लॉग बनाए। ओए इन लोगों का चलता रहेगा। चले इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, और बस जाते हैं, 2 मिनट का हमारा काम है, वो काम कर कर आते हैं, और बस यही सीन। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आओ ब्लॉग एंड करें, आ जाओ तुम मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
से करो, इधर कैमरे में करना होता है। अरे नहीं, ओहो देखो मेरा पैकेज, सब काम करने जो मैं करती ना वही सारे काम करने। अरे ऐसे नहीं, ऐसे तो करो पहले।